नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं। ये अलवर से हैं और इन्होंने काफी बार चार सूत्र पद्धति से इलाज कराया था अलवर के अंदर। तो विक्रम जी बताइए जरा, कैसा आपका अनुभव था? कितनी बार आपने धागे डलाए या धागे डलाने में क्या क्या आपको तकलीफें हुई थी वहाँ? एक्चुअल में जब मेरा फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट इसका चालू हुआ तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरे को स्टार्टिंग में तीन धागे डालने थे। तीन धागे डालने के बाद में मुझे लगा कि उन्होंने टाइम पीरियड बताया मेरे को कि लगभग 3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो एज ए पेशेंट स्टार्टिंग में उन लोगों ने जो मेरे को ट्रीटमेंट दिया तो वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, जो ऑपरेशन हुआ मतलब आप समझो कि जान ही निकल जाती थी। वो हर वीक पे फिर एक बार धागा चेंज करते थे, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि ठीक है, पेनफुल है, 3 महीने तक पेन झेलना है तो उसके बाद में हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरे 3 महीने कंप्लीट होने को आए, पता चला कि उन्होंने 3 धागे और डाल दिए, ठीक है, तब फिर मेरी हिम्मत टूट गई। फिर मैंने सोचा कि ये, फिर उन्होंने बोला कि 2-3 महीने तो और है, इसके बाद में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जब मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने 6-7 महीने के बाद में ख़त्म किया, तब मेरे को पता चला कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ये ऑटोमेटिकली ये घाव है, थोड़ा सा अपने आप भर जाएंगे। 2 हफ्ते बीतने के बाद में मेरे को पता चला कि वाइफ ने बताया कि मेरे को मवाद वापस से आ रही है, पस आ रही थी मेरे को। तब फिर मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट ठीक से हुआ नहीं है। सबसे बुरी बात इसमें ये है कि पेन झेलने के बाद में भी ट्रीटमेंट पूरा कम्प्लीट हो नहीं पाया। फिर मैंने बहुत सारी जगह छार सूत्र के बारे में भी ट्राई किया, ठीक है, लेकिन फिर एज ए बिजनेसमैन मैंने ये सोचा कि अभी इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करना सही है। तब फिर मैंने यहाँ पे फाइल्स हॉस्पिटल में आया, यहाँ पे फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन किया गया और लगभग 1 वीक का थोड़ा सा पेन महसूस हुआ 1 वीक तक। उसके बाद में लगभग 1 से 1.25 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। अभी क्या है, थोड़ा सा डर रहता है इस बीमारी का दिमाग के अंदर, लेकिन क्या है कि पिछले 6 महीने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 6 महीने कम्प्लीट हो गए मेरे को। 6 बार धागे डलाने के बाद दर्द तो अपने आप आ ही जाता है कि क्या पता है। सर मेरा वेट लॉस हो गया था लगभग 20 किलो के आसपास मेरा वेट लॉस हो गया था। मेरे को बोला गया था कि आपको हर वीक जितना ज्यादा उसके वॉकिंग करना है, तो आप समझिए कि मैं 18 किलोमीटर डेली का वॉकिंग भी कर रहा हूँ। ये लिखा है, दर्शकों के दिमाग में हमेशा एक डाउट ये रहता है कि चार सूत्र शायद 100% इलाज है, चार सूत्र से आप एकदम से, एक आम भ्रांति सी है कि चार सक्सेसफुल है कुछ, पर वो जो दर्द या जो उनको झेलना पड़ता है, जो धागे का जो खिंचाव का दर्द होता है, वो शायद जिसने जिसके डला है वही बता सकता है कि उसमें पेन कितना होता है। सही बात है। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि चार सूत्र के लिए बहुत सारे मतलब हर कोने पर कोई ना कोई चार सूत्र कर ही रहा है, तो इसके लिए जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि यहाँ पे बेस्ट इलाज हो सकता है इसका, क्योंकि मैंने सर्जरी के लिए भी 3-4 हॉस्पिटल्स में लिया था। मेरे को बाद में मेरा एक फ्रेंड ही बताया था कि आप सर्जरी करवा के ठीक हो जाओगे, तो उनका कहीं पे और हुआ था, सर्जरी हुआ था। लेकिन यहाँ के लिए फिर मैंने देखा कि यहाँ पे स्पेशली इसी चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। बाकी क्योंकि मैं सर्जन के पास भी जाता हूँ तो वो हर चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपके हाथ का भी करते हैं, पैर का भी करते हैं, आपके स्टोमक का भी करते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट मेरे को यहाँ पे मिला, तो इसलिए फिर मैं तो यहाँ फिर ये है कि सिर्फ आपकी बीमारी से रिलेटेड इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है, तो यहाँ पे मेरे को सेटिस्फेक्शन भी हुआ। और सर तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत टाइम देते हैं पेशेंट को, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विजिट किया, वो आपको 2 मिनट या 1 मिनट देंगे, उसके बाद में आपकी फाइल पास करके दूसरा पेशेंट देंगे, लेकिन सर आपको पूरा टाइम देंगे। थैंक यू विक्रम जी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल।